NM Electric. हेलो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं DTH पावर सप्लाई, इसको मैं रिपेयरिंग करूँगा। लेकिन जो मैं लिख रखा हूँ कि 99% लोग रिपेयरिंग नहीं करते हैं, इसका रीज़न भी मैं दिखाता हूँ। ठीक, क्या कि इसका IC तो विस्फोट होता है, साथ में डायोड और कुछ और है जो मैं इसको रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा। बस इसके टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, मगर इसका जो फास्ट है, जो काट पावर सप्लाई है, वो 100 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन रिपेयरिंग करने में इसको कम से कम 20 से 30 रुपये खर्च होते हैं। चलिए अब देखते हैं वीडियो आगे में पावर सप्लाई कैसे रिपेयरिंग करते हैं, आप भी देखें ताकि रिपेयरिंग आसानी से कर सके घर में। जैसे कि मेरा अभी IC लग चुका है, अब मैं चेक करता हूँ, फिर भी ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। रीज़न कुछ और ख़राब है, जिसको भी आप वीडियो में देखें और कैसे कर रहे हैं। Thank you.
अब हमारा पावर सप्लाई बन चुका है। अब मैं इसे चेक करते हैं, देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। आप भी इसी तरह से पावर सप्लाई रिपेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर होता है कि नहीं बन पाते हैं। आप भी अगर चाहते हैं नहीं बनाना, मगर ये आसानी से मार्केट में 100 रुपये के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। देखते हैं अब आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और एनिमल इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Yeah.